हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अजमा के लिए मैं, मतलब अजमा और अजमा के भाइयों के लिए कुछ बनाने वाली हूँ क्राफ्ट। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। वैसे अजमा जो है स्कूल से कुछ बनाकर लाई है, उसको भी डेकोरेट करेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या बनाकर अजमा लाई है और मैं क्या बनाने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा ने ना अपनी स्कूल में राखी बनाई है रक्षाबंधन के लिए। तो इसको मैंने निकाल के रखा था। तो अब हम इस राखी को डेकोरेट करेंगे और हम इसी तरह की कुछ और भी राखी बना लेंगे रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि अजमा के स्कूल में सेलिब्रेशन होती है और अजमा के जो क्लासमेट है उसके लिए वो बांधना चाहती है अपने भाइयों को। तो इसी वजह से बना रही हूँ। तो मैं चाहती थी कि आपके साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करें। तो ये जो राखी अजमा ने ख़ुद बनाई है स्कूल में, तो इसको भी हम डेकोरेट करेंगे और दूसरी इसी तरह की राखी भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक सामान नहीं लाया है। जो भी मेरे पास है इस तरह के, मतलब जो मोती वगैरह कहीं से भी किसी भी पुराने कपड़े से निकल जाते हैं, तो मैं सारी चीज़ें संभाल कर रखती हूँ ताकि कभी अजमा के आर्ट में या फिर कभी मुझे काम आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने निकाल कर रखी हुई, मेरे पास इस तरह के मोती वगैरह थे, तो मैं उन्हीं से सारे जो बना रही हूँ यहाँ पर उन्हीं को पहले तो मैं जो अजमा बना कर लाई है उसको डेकोरेट करूँगी, फिर बाद में मैं ख़ुद अपने हाथों से बनाऊँगी तो वो बाद में दिखाएंगे। लेकिन जो अजमा बना कर लाई है उसको डेकोरेट कर रही हूँ। कुछ मेरे पास मोती हैं तो वो लगा कर, और मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर, मतलब थोड़ा पहले लगा कर देख रही हूँ कि कैसा लगेगा। तो पहला थोड़ा थोड़ा करके मैं देख रही हूँ, इसके बाद जैसे जैसे मुझे समझ में आता जा रहा है मैं वैसे वैसे लगाती जा रही हूँ। तो जब मैं छोटी थी, मेरे बचपन में मैंने भी अपने भाइयों को, खुद के भाइयों को और जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई थे उनको भी, मतलब अपने सोसाइटी के जो भाई लोग थे उनको भी बहुत बांधा है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी अजमा अपने खुद के भाइयों को भी बांधे और स्कूल के भाइयों को भी बांधे जो भी हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो सारे फेस्टिवल को हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो इसी वजह से मैं अजमा को भी इसी तरह से करवाती हूँ। जो राखी कंप्लीट हो गई है तो अब इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर अभी मैंने राखी को सूखने के लिए रख दिया है और यहाँ पर दो जो रिबन होते हैं वो ले लिए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पेपर था जो कि ऐसे ही रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको वेस्ट नहीं करते हैं और इसी को यूज़ करते हैं। तो इसको कट कर लेंगे और जो ऑरेंज कलर का इसमें पार्ट दिख रहा है मैं उसको राउंड शेप में कट करूँगी, इसको बीच में लगाएंगे और येलो वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है उसके मैं फ़्लावर बनाऊँगी, यानी कि हार्ट शेप के पत्ते बनाकर उसका फ़्लावर बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है ऑरेंज वाला, और यहाँ पर जो येलो दिख रहा है उसके मैं हार्ट शेप में पत्ते कट कर लूँगी, फिर उसका फ्लावर बना लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें हार्ट शेप जो है कट करना है, तो इसी तरह से मैं सारे कट कर लूँगी। फिर अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे जो पत्ते मुझे जितने चाहिए थे मैंने कट कर लिए, और इस तरह से हमें स्टिक करना है एक दूसरे के साथ इस तरह से रखते हुए। और अभी मैंने रूम को चेंज कर दिया है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था कैमरा में, तो मैंने सोचा कि रूम को चेंज कर देते हैं ताकि यहाँ पर अच्छे से नज़र आता है। तो यहाँ पर मैंने दो साइज़ में इस तरह के पत्ते जो है कट कर लिए हैं। तो इसको पहले, सबसे पहले जो एक साइज़ में, मतलब जो बड़े वाले पत्ते हैं उनको स्टिक कर लेते हैं, फिर मैं छोटे वाले को स्टिक करूँगी उसके ऊपर रखते हुए। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लावर है वो बनके तैयार हो गया है, और मैंने जो ऑरेंज वाला पार्ट था उसके ऊपर स्टिक कर दिया और उसके ऊपर यहाँ पर ग्लू लगाकर, मेरे पास कुछ मोतियाँ रखी थी छोटी छोटी सी तो मैंने उसके ऊपर वो भी लगा दिए हैं। कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, लास्ट में मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। तो अभी इसको मैंने रख लिया है साइड में, और इससे भी बड़े में जो डार्क ऑरेंज कलर का पेपर मेरे पास है तो उसके और, मतलब हार्ट शेप में पत्ते कट कर लूँगी और इसके ऊपर से मैं लगाऊँगी ताकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में देखने में और अच्छा सुंदर सा फूल बन जाए। तो
तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फूल है वो बन चुका है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा था कि रक्षाबंधन है तो राखी कभी भी थोड़ा सा सीक्वेंस होना चाहिए, राखी में थोड़ी सी चमक होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर कुछ और डेकोरेट करते हैं। तो फ्लावर तो हमारा बन गया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको डेकोरेट करते हैं। तो देखिए हमारा जो फ्लावर है वो बनके तैयार हो गया है, मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। जब ये अच्छे से सूखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अब मैं पूरा डेकोरेट करने के बाद इसको सुखाकर रख दूंगी, बाद में फिर हम इसको रिबन के साथ स्टिक करेंगे। तक ये राखी हमारी सूख रही है तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर एक बटरफ्लाई वाली राखी बना लेते हैं, बच्चों को किस तरह से बनाना है, मतलब बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बटरफ्लाई बना रही हूँ। बटरफ्लाई आप जैसे भी चाहे आप वैसे ड्रॉ करके आप बना सकते हैं, तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ और जैसा मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं वैसा करती जा रही हूँ। और मैं कॉन्ट्रास्ट में रखने के लिए यहाँ पर दो पेपर का यूज़ कर रही हूँ, एक डार्क और एक लाइट का। और आपको जैसा चाहे आप वैसे बना सकते हैं, कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मुझे बटरफ्लाई सही लगा तो इस वजह से मैंने बटरफ्लाई, और मैंने एक जैसे टेडी बियर होता है उस तरह से मैंने सोचा था। तो अभी देखते हैं कैसा कैसा बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो सारी राखियाँ हैं वो बनके तैयार हो गई, कुछ इस तरह से मैंने बनाई है। यहाँ पर टेडी बियर वाली भी बना दी मैंने, बटरफ्लाई वाली भी बना दी, और एक फ्लावर वाली भी बना दी जो कि मैंने अजमा के पापा के लिए बनाई है और आपा इसको बांधेंगे। तो इस तरह से मैंने बनाए हैं, और अजमा ने जो स्कूल से बनाकर लाया था उसको भी मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो सारे ही जो राखी हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। और यहाँ पर अजमा ने जो स्कूल से बनाकर लाया था उसको भी मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर मैंने मुझे जैसे समझ में आया वैसे मैंने डेकोरेट किया है। तो राखी है तो फिर इसको थोड़ा सा सीक्वेंस का काम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से ग्लिटर वगैरह लगाकर डेकोरेट किया है। आप भी जैसा चाहे आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमारी राखियाँ तैयार हो गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना तरीका, अपना आइडिया, अपना जो भी माइंड में था, मैंने जैसा मुझे आया मैंने बनाया है। उम्मीद तो है कि आपको पसंद आया होगा। तो अजमा ने जैसा बनाया उसको भी मैंने डेकोरेट किया है और आपको पसंद आया होगा। बच्चों के लिए आप इस तरह से बड़ा या फिर छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि बड़े बनाने चाहिए तो थोड़े से मैंने बड़े बना लिए हैं। जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जैसा चाहे बनाकर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। घर में अगर आपके पास कोई, मतलब बाहर जाने के लिए कोई नहीं है या फिर नहीं ला पाए हैं, तो फिर घर में इस तरह से बनाकर आप अपने भाइयों को बांध सकते हैं रक्षाबंधन में। तो उम्मीद तो है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। तो इन एडवांस आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।